फ्रेंड्स, बंदना की रसोई में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे दिवाली स्पेशल ब्रेड का चमचम, जिसके लिए देखिए मैंने क्या क्या लिया है। ये 7 ब्रेड की स्लाइस है, ये मैंने 7 ब्रेड लिया है, और ये खोआ है मेरा, और शक्कर है, ये थोड़ी सी बादाम है, ये पीसी शक्कर है, ये इलायची, ये थोड़ा सा नारियल का बुरादा, और थोड़ा सा दूध लिया है हमने। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देखिए, सबसे पहले मैं सबसे पहले मैं ना शक्कर की चाशनी बना लेती हूँ। इसके लिए मैंने शक्कर वजन में मैंने 250 ग्राम लिया है, और इस कटोरी से कहें तो दो कटोरी है, और दो कटोरी शक्कर है तो हम एक कटोरी पानी डालेंगे इसमें। ये देखिए, इसी से मैंने एक कटोरी पानी लिया है, और गैस अपनी ऑन कर दिए हैं। अब ये धीरे धीरे शक्कर पिघलाएंगे हम। बस मीडियम फ्लेम पे ये शक्कर पिघलाएंगे। इसको मैं दूसरे गैस पे रख देती हूँ। मैं अपना जो ये खोआ लिया है मैंने, ये इस खोए को क्या करेंगे, मैं इसको थोड़ा, ये क्या है, ये खोआ बिल्कुल सूख गया है तो मैं इसको थोड़ा पिघला लूंगी। ये थोड़ा सा, बस इसे मैं थोड़ा सा हल्का सा पिघला लूंगी, क्योंकि मैंने फ्रिज में रख दिया था ना, इसलिए ये टाइट हो गया है खोआ। अगर आप वो घर का बना खोआ लिए हैं तो कोई बात नहीं, वो वैसे ही, मतलब को उसको गर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। देखिए पासवर्ड बताओ। ये देखिए मावा हमारा ये अच्छे से देखिए पिघल गया है। अब गैस की फ्लेम मैं अपनी बंद कर दूंगी, और ये शक्कर भी मैं इसे बीच बीच में चलाती रहूंगी। अभी शक्कर हमारी अच्छे से नहीं गली है, ये देखिए। बहुत ही अच्छा ब्रेड का चमचम बन के तैयार हो जाएगा। आप लोग बनाना दिवाली पे, फिर कहोगे कि हाँ सच में बहुत अच्छी मिठाई थी। अब मैं क्या करूँगी, ये खोआ अपना निकाल लूँगी। ये देखिए चाशनी हमारी, अभी थोड़ा शक्कर की गली नहीं है, अभी नहीं हुई है। मैं इसे बीच बीच में इस तरह से चलाते हुए, मैंने इतना तक अभी उबाला है, अच्छे से उबलने तो लगी है चाशनी, लेकिन अभी भी अच्छे से गली नहीं है शक्कर हमारी। और मैंने अभी तक बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे रखा था, अब मैंने थोड़ा गैस इसकी तेज कर दिया है कि अच्छे से जल्दी उबल जाए, शक्कर भी मेरी गल जाए। जब तक ये चाशनी हमारी उबल रही है, तब तक मैं अपने मावे में मिला देती हूँ जो मैंने ये बादाम काट के रखा है, थोड़ा सा मैंने बचा लिया है, और मैं इसमें थोड़ा सा फूड कलर डाल दूँगी, बिल्कुल थोड़ा सा, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें, नहीं डालना चाहते तो ना डालें, लेकिन क्या है, कलर डालने से थोड़ा अच्छे में अच्छा दिखने लगता है, देखने में, बस यही है। इस तरह से इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब मैं इसमें थोड़ी सी इलायची डाल दूंगी, मैंने जो कूट के लिया है, थोड़ी सी इलायची मैं इसमें डाल दे रही हूँ, थोड़ी सी चाशनी में डाल दे रही हूँ। चाशनी भी हमारी हो गई है, ये देखिए आप लोग, चाशनी में अच्छा उबाल आ गया है। और ये आपको पता करने के लिए देखना है, इसकी चाशनी हमें चमचम की ना तो बहुत ज़्यादा
गाढ़ी बनानी है और ना ही बहुत ज़्यादा पतली बनानी है। ये देखिए लास्ट वाली ड्रॉप की देखिए, ये थोड़ा धीरे से गिर रही है, आप इस तरह से समझ तो हो गई है चाशनी। ये देखिए ये चिपक रही है थोड़ा सा, ये शहद जैसी है। इससे ज़्यादा मुझे इसकी चाशनी और ज़्यादा गाढ़ी नहीं बनानी है, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा गाढ़ी कर दूँगी तो क्या है उसके चमचम के ऊपर ये शक्कर जम जाएगी, और अगर ज़्यादा पतली रहेगी चाशनी तो ब्रेड हमारा, जब हम चाशनी में डालेंगे तो ब्रेड हमारा सॉफ्ट हो जाएगा। इसलिए चाशनी हमारी बनके तैयार हो गई है। ये देख लीजिए आप, लास्ट ड्रॉप थोड़ा रुक के गिर रही है। अब मैं गैस अपनी बंद कर दूँगी, चाशनी हमारी हो गई है। ये देखिए मैंने इसमें कलर अच्छे से मिक्स कर दिया है, और जो मैंने बादाम काटे थे छोटे छोटे उसको भी मैंने इसमें मिक्स कर दिया है। अब मैं इसको रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए, अभी ये ठंडा हो जाए फिर मैं इसमें शक्कर डालूँगी, क्योंकि अभी गर्म है, मैं शक्कर डालूँगी तो ये मावा मेरा पिघल जाएगा। जब तक मैंने जो ये अपना ब्रेड लिया है, इसका जो ये किनारे वाला पार्ट है इसको मैं काट के निकाल दूँगी। जैसा कि आप सब लोग भी जानते हो, दिवाली पे तो हम लोग का मिठाई का ही त्यौहार है। कितना हम लोग मिठाई बनाते हैं या मार्केट से लाते हैं, तो मार्केट से तो मिठाई लाना अच्छा नहीं है, पता नहीं दिवाली पे या कोई भी त्यौहार हो, मार्केट से मिठाई लेना त्यौहार के टाइम पे सारा मिला मिक्स वाला मिलता है, तो इसलिए आप लोग घर में बना सकते हो अच्छी से अच्छी मिठाई। आप कुछ भी बना सकते हो, वो टेस्टी भी होता है, हेल्दी भी होता है, सेहत के लिए बहुत अच्छा है। मार्केट की मिठाई खा के बीमार नहीं होना है। इस तरह से मैं अपना सारा ब्रेड काट के निकाल दूंगी, इसका किनारा। ये देखिए ये मैंने ब्रेड निकाल दिया, इसका आप कुछ भी कर सकते हो, आप इसका ब्रेड क्रम बना सकते हो, या कोई नमकीन बना सकते हो, या इसको थोड़ा फ्राई करके नमकीन के जैसा बना के कोई स्नैक्स फिर इसे आप खा सकते हो, बच्चों को भी दे सकते हो, बहुत ही अच्छा बनता है। अब ये ब्रेड मैंने जो लिया है इसको मैं दूध में डुबाऊंगी। पहले ये देखिए मेरा मावा जो है ये ठंडा हो गया है, अब मैं इसमें शक्कर डाल दूंगी। मावा मैंने 150 ग्राम लिया था, डेढ़ सौ ग्राम मेरा मावा था, और मैं इसमें 40-50 ग्राम के लगभग शक्कर ऐड कर रही हूँ। इसमें शक्कर अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए जो मैंने खोआ मिक्स किया था, इसमें शक्कर और मैंने थोड़ी सी बादाम डाली थी, इसको मैं इस तरह से बना लूँगी। थोड़ा आप चाहे तो गोल भी बना सकते हैं, लंबा भी बना सकते हैं, आप जैसा चाहे उस हिसाब से थोड़ा लंबा और गोल बना सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा लंबा करूँगी, इससे ये थोड़ा देखने में और अच्छा लगेगा। जो थोड़ा सा हाथ में आप कुछ लगा लो तो अच्छा रहेगा, नहीं तो ये हाथ में चिपकता है। इस तरह से मैं अपना सारा बना लूँगी, मैंने 7 ब्रेड की स्लाइस है तो मैं इस तरह से 7 बना लूँगी। ये देखिए ये मैंने एक गिलास दूध लिया था, ये मीडियम दूध है, बहुत ज़्यादा ना तो गर्म है ना बहुत ज़्यादा ठंडा है, रूम टेम्परेचर पे है। इस तरह से मैंने अपना एक ब्रेड लिया और इसको दूध मैं डुबो के इसका दूध अच्छे से निकाल दूँ, और एक इसको लेके इसके अंदर अच्छे से
ये देखिए बस इसी तरह से मैं अपना दूसरा भी बना लूँगी। ये दो बनाया। ये देखिए मैंने अपने सातों ब्रेड को बना लिया है, चमचम अपना बना के रेडी कर लिया। और ये देखिए गैस पे मैंने ऑयल भी रख दिया है गर्म होने के लिए, और ये गर्म भी हो गया है ऑयल मेरा। मुझे पता है तेज हीट पे पकाना है मुझे, तेल अच्छे से एकदम खूब गर्म हो जाए फिर पकाना है, क्योंकि अगर तेल कम गर्म रहेगा फिर आप इसको डालोगे तो ब्रेड जो है ये तेल सोख लेगा, और अगर अच्छा गर्म रहेगा तो तेल नहीं सोखेगा। मैं थोड़ा ट्राई करती हूँ, अभी थोड़ा कम गर्म, अच्छे से गर्म हो जाए फिर मैं इसमें डालूँगी। देखिए तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, मैं इसमें एक डाल के पहले देखती हूँ। इसको आराम से पलट दूँगी। ये देखिए मैंने इसको पलट दिया, उस तरफ से हो गया था। मैं पलट के सेक लूंगी अच्छे से। बस अब निकाल लूंगी, हो गया है। अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल के रख लूँगी, फिर बाद में डालूँगी सारी चमचम अपनी फ्राई कर लूँ उसके बाद। देखिए एक और डाल लेती हूँ। देखिए इस तरह से इसको पलटते हैं, इस तरह भी हो जाए। देखिए इस तरह से पलट के हम इसे दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे। ये वाला चमचम मेरा दोनों हो गया है, इसको भी मैं निकाल लूंगी इस तरह से। इस तरह से इसका तेल जो है एक्स्ट्रा अच्छे से निकल जाए, इसको भी निकाल के रखूंगी। ये भी हो गया है, इसको भी मैं निकाल लूंगी। बाकी बचे चमचम भी मैं इसी तरह से फ्राई कर लूँगी। ये देखिए मैंने अब चाशनी मेरी थोड़ी ठंडी हो गई थी तो मैं इसको थोड़ा गर्म कर ले रही हूँ।
फिर मैंने जो चमचम अपना रखा है इसमें एक एक करके डालूंगी। ये देखिए चमचम में अब इससे निकाल के ये जो नारियल का बुराता है मैं इसमें थोड़ा सा कोटेड कर लूँगी। इसी तरह से मैं अपना सारा चमचम निकाल के रख लूँगी, क्योंकि रस्सी में अगर मैं डुबा के रखूँगी तो मेरा चमचम जो है ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। ये देखिए ब्रेड का चमचम मेरा बनके तैयार हो गया है। खाने में बहुत ही टेस्टी है, ऊपर से थोड़ा टाइट है, अंदर से एकदम सॉफ्ट है। आप लोग भी बनाना इस बार दिवाली पे खाने में, पता है आप लोग बनाओगे तो फिर कहोगे अभी इससे मैं क्या बताऊँ आपको कि कैसा लग रहा है। प्लीज़ दोस्तों बनाना और ट्राई करना, मुझे कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा। और प्लीज़ मेरा चैनल लाइक करना, सब्सक्राइब करना, फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करना। आप सब लोग को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। फ्रेंड्स आप सबके यहाँ लक्ष्मी माता सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे, सबके घर में सुख शांति है। इसी के साथ, इसी शुभकामना के साथ मैं आप लोगों के साथ विदा लेती हूँ। अब मैं चलती हूँ, फिर मिलूँगी आपके साथ एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी दिवाली।